लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अभी अभी मौसम विभाग ने किया अलर्ट, 6 राज्यों में आज भी आ सकता है तूफान। हेलो दोस्तों, वेलकम टू 24 टाइम लाइव न्यूज, हमारे चैनल को फॉलो करें। मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में तूफान और तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी है। इससे पहले रविवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई और इस तूफान और तूफान के चलते देश में मौतों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के कई हिस्सों में हुई तेज गर्मी के कारण जीवन के नुकसान के बारे में दुख व्यक्त किया। आज के 6 राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर की हवाएं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफान और बादलों की चेतावनी दी है। इन क्षेत्रों में हवा 50 से 70 किमी प्रति घंटे चल सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ साथ टाइफून चले गए। इसके अलावा ओडिशा के दूर दराज के क्षेत्रों में भारी बारिश चेतावनी, राजस्थान के कई क्षेत्रों में धूल तूफान बढ़ सकती है। कल 15 मई के लिए जारी चेतावनी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दूरस्थ इलाके तूफानी हवाओं के साथ तूफान चेतावनी भी गिर सकती है। ओडिशा और दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में तेज हवाओं के साथ एक तूफान चेतावनी दी गई है। राजस्थान और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में तो इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था कि उत्तर भारत के कई राज्यों के साथ पश्चिमी अशांति, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के प्रभाव के साथ तूफान और तूफानों से धमकी दी गई है। मौसम विभाग ने 70 किमी प्रति घंटे के तूफान की चेतावनी जारी की। उत्तर प्रदेश में 50 मारे गए। उत्तर प्रदेश के राहत और संरक्षण आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि अब तक राज्य में बारिश और बारिश के कारण 50 लोग मारे गए हैं, जबकि 83 लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में सभी मुआवजे के लिए आदेश दिए गए हैं।